हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है यूमी एंड फूड। तो किचन हैक के सीरीज में आज मैं आपके साथ एक और नई किचन हैक शेयर करने जा रही हूं। अक्सर ऐसा होता है कि हम गैस पे दूध रख के जो है वो भूल जाते हैं और हमारे पतीले का इतना बुरा हाल हो जाता है, तो इसे रगड़ने में बहुत जोर लगने वाला है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी, बिल्कुल भी मेहनत आपको नहीं लगानी पड़ेगी इसे धोने में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस भगोने में हम डालेंगे पानी। और इतना पानी हमें इसके अंदर डालना है कि जिसमें ये भगोना अच्छे से, जितना पोर्शन जला हुआ है वो अच्छे से डिप हो जाए, या फिर आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालें। और अब हम इसमें डालेंगे अपना कपड़े धोने का सर्फ। यहाँ मैं 1.5 चम्मच सर्फ डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना इनफ है। और अगर आपका भगोना बहुत ज़्यादा जला हो तो आप थोड़ा सा सर्फ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और कम जला हो तो घटा सकते हैं। और आप कोई सा भी कपड़े धोने का सर्फ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्फ एक्सेल यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी आप अपने घर पे यूज़ करते हैं वो यूज़ कीजिए। और इस पानी को हम 8 से 10 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। 5 से 7 मिनट में पानी में इस तरह से उबाल आने लग गया है और आप देखेंगे कि बहुत सारा जला पार्ट तो इधर साइड में दिखने भी लग गया हमें कि अपने आप ही निकल के आ रहा है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को लो पे कर दूंगी और इसे 5-7 मिनट के लिए और हम इसी तरह से ही रहने देंगे, जिससे जो साइड वाला काला पोर्शन हुआ है, जला है जो, वो अपने आप ही क्लीन हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं पानी को इस तरह उबलते हुए और अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और इस पानी को हम वैसे तो जनरली फेंक देते हैं, बट मैं इसे एक इस तरह के चौड़े पैंदे वाले बर्तन में डाल रही हूँ आधे पानी को। और क्योंकि मेरा जो पैन है वो नीचे से भी बहुत बुरी तरह से जल गया है, तो मैं इसे इस तरह से रख दूंगी। इस तरह से मैंने नीचे वाले बड़े बर्तन में अपने भगोने को डिप करके रख दिया है और नीचे थोड़ा सा ही पानी डाला था जिसमें कि जला हुआ पैंदा जो है वो अच्छे से डिप हो गया है, और बाकी का जो पानी है वो मैंने ऊपर वाले भगोने में ही रहने दिया है ताकि जब तक हमारा नीचे वाला भगोना रखा हुआ है, नीचे का पैंदा अच्छे से क्लीन होगा, तब तक ऊपर का पानी भी हम उसमें रहने देते हैं। और अभी पानी जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, आपको दिख रहा होगा कि धुएं निकल रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे इसी तरह ही रहने दूंगी जब तक कि पानी ठंडा नहीं होता, और जब पानी ठंडा हो जाएगा तो हम इसे क्लीन करेंगे। पहले भी मेरे चैनल पे जो है वो तवा क्लीन करने की और कुकर क्लीन करने की वीडियोज मैंने डाल रखी है, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। कुकर जो है वो बहुत ही अच्छा क्लीन होता है उस ट्रिक से, अगर आपका कुकर है एल्यूमिनियम का है। और अगर आपका कुकर स्टील का है तो आप सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं उसे क्लीन करने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी इस ट्रिक का यूज कर सकें, हेल्प ले सकें इस ट्रिक से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही मेरी लेटेस्ट रेसिपीज भी जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज आ रही हैं अभी चैनल पे। पानी जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है और अब मैं इस पानी को गिरा देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। पानी को मैंने फेंक दिया है और ये आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक अपने आप ही क्लीन हो गया है। और अब मैं जो इस पैन को, इस तरह का जो स्टील वूल अवेलेबल होता है, उससे क्लीन कर लूँगी और बहुत ही इजीली क्लीन हो जाएगा। और अगर आपके पैन में बहुत ज़्यादा वाली खुरचन हो, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से चला हो, तो आप इसे इस तरह से चम्मच की हेल्प से हटा सकते हैं। ऐसा करने से जला हुआ पोर्शन अपने आप ही निकल जाता है, पर ये पैन बहुत बुरी तरह से नहीं जला है तो इसमें इतना ज़्यादा खुरचन नहीं है हटाने के लिए। तो मैं इसे एक बार स्टील वूल से ही वॉश कर लेती हूँ। पैन को मैंने अच्छे से स्टील वूल से वॉश कर लिया है और इसमें अभी पानी है, वेट है थोड़ा सा। आप देखेंगे कि पैन जो है वो बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा है कि जला हुआ था, सारी तरफ से किनारे से बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। और बेस्ट थिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका बैक पार्ट इतना क्लीन ये पहले भी नहीं था जितना क्लीन ये अब हो गया है। और दूसरी ट्रिक जो मैंने इसमें यूज की, मैंने इसे, क्योंकि इसका बॉटम जो है वो कॉपर का है, तो मैंने इस पे नमक और नींबू लगा के उस पे अच्छे से क्लीन किया। जले हुए को जो निशान थे वो अपनी जो सिंपल ट्रिक में यूज कर रही थी उससे हट गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कॉपर को क्लीन करने के लिए वापस से एक बार नमक और नींबू लगा के क्लीन किया, जिससे कॉपर आप देखेंगे कि कितना अच्छा क्लीन हो गया है और ये बिल्कुल नए के जैसा शाइन कर रहा है। तो इस ट्रिक से आप भी अपने सारे जले हुए बर्तनों को क्लीन कीजिए और अपने व्यूज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके बर्तन क्लीन हुए या नहीं हुए। तो अगर आपको ऐसी और भी ट्रिक्स चाहिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।